वेलकम बैक टू न्यू वीडियो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने HTML के अंदर कमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट ऐड करना बहुत ही आसान है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट वास्तव में होता क्या है, कमेंट वो सेक्शन होता है कि जो सेक्शन अगर हम किसी वेब पेज के अंदर डालते हैं या HTML के अंदर कमेंट कोई लिखते हैं तो वो कमेंट ब्राउजर पर शो नहीं होगा, वो कमेंट सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही दिखेगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र पर लोड करवाएंगे तो वो आपका कमेंट नहीं दिखेगा। तो इसी को आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि कमेंट को अपने HTML के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने एक HTML फाइल्स के अंदर आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने एक HTML का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जी H1 टैग लेता हूँ, ठीक है। H1 टैग लेता हूँ, H1 टैग, एक मिनट, H1 टैग बनाते हैं, ठीक है। H1 टैग में लिखते हैं वेलकम, ठीक है, वेलकम। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे HTML दिखेगा, वेलकम, ठीक है, वेलकम आया, वेलकम मैंने लिखा, वेलकम आया, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ अभी लिखता हूँ, ठीक है, कि द हियर आर स्टार्ट HTML कोड, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ना दिखे ब्राउज़र पे, ये चीज़ें सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर दिखे और ब्राउज़र पे ना दिखे। ब्राउज़र में सिर्फ क्या दिखे, वेलकम पेज, वेलकम, जो ये वेलकम यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो सिर्फ यहीं दिखे और ये वाला हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपल सा करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, कमेंट के अंदर इसको डाल देते हैं। अगर हम कमेंट्स के अंदर डालेंगे तो हमारा चीज़ें जो ब्राउज़र के अंदर लोड होगा वो क्या लोड होगा, सिर्फ वेलकम। तो इसको लोड कराने के लिए हम सिंपल सा इसको कमेंट के अंदर डालते हैं। तो कमेंट के अंदर पहले कमेंट कैसे लिखा जाता है आप लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टैग ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंपल सा हम ये नॉट साइन लगाया, उसके बाद डॉट डॉट, अब देख सकते हैं ये कमेंट आ गया है, ठीक है। अब भी इसको मैं इंटर मारता हूँ तो इसके अंदर हम जो भी कुछ चीज़ें लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब भी ये कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ इसके बीच में पेस्ट कर देंगे, तभी आप देख सकते हैं कि कोड का ये जो पहले क्या था हाईलाइट था अभी ये बदल गया है। तो अभी इसको हम सिंपल सा सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलते हैं और इस चीज़ को लोड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से लोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बूम गाइस, वो देखो गायब हो गया है। तो हमारा अभी क्या दिख रहा है, सिर्फ वेलकम दिख रहा है, ठीक है, HTML कोड दिख रहा है, कमेंट हमको नहीं दिख रहा है, कमेंट हाइड हो गया है। अगर हम इसको कंट्रोल यू करते हैं तो कंट्रोल यू करते हैं कि तो इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने कमेंट लिखा था वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो है, HTML के अंदर है, बट क्या वो ब्राउजर के ब्राउजर पर वो क्या है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपने HTML के अंदर अपने डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह के से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं इस HTML सीरीज के अंदर पूरी की पूरी HTML सीरीज जो कि 300-400 वीडियो का होने वाला है बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप इस अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।